हेलो दोस्तों, क्या हाल है? आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ये देखिए ये क्या है, चाकू है, चाकू नाइफ। तो इससे बहुत कुछ हो सकता है। इससे क्या करते हैं लोग, मर्डर करते हैं, कातल करते हैं, किसी को घायल करते हैं। और मैंने अपने घर का फ्रिज को घायल कर दिया इसी से। तो वो कैसे, बहुत जानकारी वाला वीडियो है। आप बने रहिए, वीडियो लास्ट तक देखते रहिए, स्किप मत कीजिए। चलिए आपके आगे आपको हम बताते हैं, इन नाइफ से मैं अपने फ्रिज का मर्डर कैसे किया। यह हमारा फ्रिज और ये है आइस बॉक्स। मैं आपको शॉर्टकट में बताऊँ, ये आइस बॉक्स है, आप देख पा रहे हो, ये फ्रिज है, ये पूरा फ्रिज का ये है, हो गया आइस बॉक्स। और इसी आइस बॉक्स में मेरा इतना तक, इतना लेवल तक, साइड में इतना तक मतलब चार चार तीन तीन इंच का आइस जमा हो गया था। अभी फ्रिज बंद है फिलहाल, तो मैंने काफ़ी टाइम से पहले भी मतलब मैं अगर ये आइस को हटाने के लिए फ्रिज को बंद करके ये किया, चाकू लेके, यही चाकू से मैंने ऐसा करके आपका आइस को निकलता था, पहले भी निकाला। लेकिन मुझे जानकारी नहीं था, मैंने कल को खूब ज़्यादा मतलब आइस हो गया था इतना हाइट का, तो मैंने बहुत ज़ोर ज़ोर से चाकू मार दिया। और चाकू मारते मारते लास्ट एंड तक आपका ये आप देख सकते हो, यहाँ पे स्पॉट है, ये काला सा देख रहे हो आप, ये स्पॉट है, आपको दिखा, यहाँ से आपका लीक हो गया, गैस बहुत जोर से गैस निकला। लेकिन हालांकि अच्छा खबर यह था कि मैं फ्रिज बंद किया हुआ था और कोड भी खुला हुआ था, तो ऐसा कुछ एक्सीडेंट नहीं हुआ, लेकिन मेरा फ्रिज बर्बाद हो गया, यहाँ से गैस निकलना शुरू हो गया। तो मैं डर के मारे फ्रिज छोड़ के पीछे हट गया, डर गया, मतलब फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस। तो इसी चाकू से मैंने ऐसे ऐसे जब किया तो उसमें छेद हो गया, छेद होने के कारण वहाँ से गैस लीक हो गया। जो गैस होते हैं ना, आपको पता है आपके हर किसी के घर में फ्रिज है तो उसमें गैस रहता है कनेक्शन, और स्पेशली जो आइस बॉक्स रहते हैं चारों चारों तरफ रहता है। और ये मैं किस लिए कह रहा हूँ, क्योंकि ये जानने वाली चीज़ है, आपसे भी कभी गलती हो सकता है, मेरा हो गया ऑलरेडी। मेरा एक गलती की वजह से आज मतलब ये रिपेयरिंग मुझे लगभग 4,000 का आसपास लगेगा इसको बनवाने के लिए। ये पूरा मतलब जो बॉक्स है ना, ये बॉक्स चेंज करना पड़ेगा, मतलब फिर ये लगाएगा, फिर गैस भी डालना पड़ेगा। तो आपको ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, हर किसी का फ्रिज है हर घर में, तो आइस कभी कभार जमा हो जाता है। और हम लोग क्या गलती करते हैं, चाकू मार के या कुछ चम्मच से या कुछ हथियार से मतलब उसको निकालने का काम करते हैं, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक है, आपके लिए भी है और आपके फ्रिज के लिए भी है। तो आप प्लीज़ प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए। और आप, मैं इसलिए, मेरा ये मकसद ये है, आज मुझसे गलती हो गया, मेरा चूना लग गया, मेरा फ्रिज ख़राब हो गया, ये गलती आपसे ना हो, आपका नुकसान ना हो, इसी को मतलब जानकारी देने के लिए ये मैं वीडियो सोचा आप लोग तक तो पहुँचाऊँ। और आप भी इसको शेयर कीजिए ताकि किसी और का ऐसा गलती मिस्टेक ना हो, किसी का चूना ना लगे। मेरा तो लग गया, बार मूड ख़राब है। आपको अगर आइस जमा हो गया आपका फ्रिज में कभी, अगर इतना मोटा परत में अगर आइस जमा हो गया, अगर इसको ख़त्म करने का या निकलने का तरीका है, आप उसको स्विच ऑफ करके डोर खोल दीजिए, 1-2 घंटा आप ऐसे खुला छोड़ दीजिए, वो अपने आप ड्रेन हो जाएगा। अगर तब भी नहीं होता है तो आप गर्म पानी करके कुछ टॉप वॉप में, बाटी वटी में, तो इसमें आइस बॉक्स में रख दीजिए, अपने आप पिघल जाएगा। यही तरीका है आप कृपया प्लीज़ प्लीज़ ये चाकू या किसी हथियार से, धार हथियार से आप कभी इस्तेमाल मत कीजिए। जो मेरे साथ हुआ है मैं पछता रहा हूँ, मुझे थोड़ा भी नॉलेज नहीं था इसमें गैस है, बल्कि मैं वो नहीं कि फ्रिज तोड़ने के लिए मारा हूँ, बस हल्का हाथ से ही मारा, लेकिन बाई मिस्टेक आप 10 बार मारोगे तो एक बार भी मतलब हाथ तो फिसल जाएगा ना। तो फिसल के एक ही बार, दो बार मुझसे गलती हो गया, एकदम एंड वक्त पर ये चाकू लग गया और गैस लीकेज हो गया। अभी इतना बड़ा खर्चा भी आ रहा है, मेरा फ्रिज भी बंद पड़ा हुआ है। तो यार आप इस वीडियो को, अगर काम को आपको लगता है और आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, तो आप कमेंट में ज़रूर शेयर कर सकते हैं, और ये वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ऐसा गलती कोई किसी और से ना हो। प्लीज़ सावधान रहिए, सतर्क रहिए यार, ऐसा काम को अंजाम मत दीजिए, मुझसे गलती हो गया यार, पैसा का बहुत खर्चा हो गया। धन्यवाद, थैंक यू।